आप सभी का स्वागत है आराधना किचन में। आज हम बनाने वाले हैं कांदा पोहा। आपको नाश्ते में क्या पसंद है? वैसे पोहा तो कई अलग अलग तरीके से बनते हैं, जैसे आलू पोहा, पोहा जो टमाटर की तरी के साथ सर्व किया जाता है, और है कांदा पोहा। आज हम कांदा पोहा बनाने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। ऑयल ले लीजिए और पहले सेक दाने को सेक लीजिए, अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए, और बाद में वही पैन में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल और ऊपर से राई थोड़ी ऐड कर दीजिए। जब राई फ्लटर होनी स्टार्ट हो जाए, राई इसी तरीके से पकने लगे, तब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा। ऐड करने के बाद ऊपर से करी लीव्स ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। एक दो सेकंड के बाद हम ऐड कर देंगे चॉप्ड अनियंस। अच्छी तरीके से कुक होने दीजिए। अनियंस हल्की सी गुलाबी लाइट पिंक हो जाएगी, ये देखिए आप देख सकते हैं हल्की गुलाबी हो गई है। ऐड कर दीजिए चॉप्ड ग्रीन चिली। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। पोहा आप अच्छी तरीके से धो लीजिए दो तीन पानी से, और ऐसे ही कई छन्नी में रख दीजिए एक्सेसिव वाटर निकलने के लिए। आप ऐड कर दीजिए पोहा। यहाँ पे हमने कम पोहा ही लिए हैं। जो ये मेजरमेंट है उसे एक प्लेट कांदा पोहा या एक पर्सन के लिए सर्विंग बन सकती है। अच्छी तरीके से कुक होने दीजिए। अब कुक हो जाए तो बाद में पोहे को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, ऊपर से नमक डाल दीजिए और पिंच ऑफ शुगर डाल दीजिए, ज़्यादा मीठा नहीं थोड़ा सा शुगर, और आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। आपको जो भी कम ज़्यादा लगे वो ऐड कर सकते हैं। अभी एक प्लेट ले लीजिए और सर्व कर दीजिए। यहाँ पे हमने कांदे पोहे को डिफरेंट तरीके से सर्व किया है, तो कांदा पोहा ऐड किया है, फिर ऊपर से रोस्टेड पोहा ऐड किया है और पीनट्स ऐड कर दिए हैं, और सेव डाल दीजिए और हल्का सा नींबू, और ऊपर से अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। ऊपर से ऐड कर दीजिए कोरिएंडर। तो लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी कांदे पोहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आराधना किचन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।